तो वर्षा के बारे में मैं समय का ध्यान रखते हुए वर्षा के बारे में इतना ही बोलूंगा कि वो एक अच्छी धर्म पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहू और सबसे अच्छी सब लोगों की दोस्त और अपनी दोस्ती को निभाना वो जानती है। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से पहली बार मिला हूँ लेकिन सब लोगों को देखते ही मैं पहचान गया, क्योंकि हमारे घर में हर कवि की हर आदमी की इतनी बातें होती हैं कि जब मैं पहली बार सबको देखा तो मैं पहली बार यमदूत जी को मैं देखते ही पहचान गया उनकी टोपी से। मैंने कहा यमदूत जी बैठे हैं तो कहीं तो ये सारी जो घर में डिस्कशंस होते हैं। दूसरा वर्षा के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा इसने बोला और सभी लोग बोल रहे हैं कि वर्षा की पहली बुक आई है और उसमें इतना टाइम लगा। मैंने उसको घर में देखा है, वो साइंस स्टूडेंट रही है, उसके बाद उसने आर्ट में गई, उसके बाद उसने जरूरत से ज्यादा पढ़ी, वो बीएड एमफिल पीएचडी उसने वो पढ़ाई शादी के बाद भी रोकी नहीं, लगातार चलती रही। सुबह डेली 5 बजे उठना, चाहे रात में 1 बजे सोना। आज मेरे साथ में मेरी बेटी और मेरा बेटा भी है, बेटी का 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में MBBS उसने निकाला है। तो उसके लिए उसने तो जो तैयारी पिछले 2 साल में की है उससे ज्यादा वर्षा ने की है। तो वर्षा 1 बजे 2 बजे रात रात में उठ के देखना, लेकिन उसके बाद भी सुबह 5 बजे उठना अपनी कविताओं को, उसके लिए मैं चाहूंगा आप एक बार तालियां बजाएं। जब वो 5 बजे उठती है तो मेरे को पता चलता है और मैं उसको बार बार बोलता हूँ कि सो जाओ, तुम सो ही 1 बजे से, लेकिन वो बोलती है कि अगर मैंने कविता नहीं लिखी, 2 पंक्ति नहीं लिखी तो शायद मैं पूरा दिन अपने आप को माफ नहीं करता। दूसरा, वो कविता लिखने के बाद वो पंक्तियां सबसे पहले मुझे ही सुननी पड़ती है और उसका सबसे बड़ा आलोचक भी मैं हूं, क्योंकि जैसी वो कई बार ऐसा हुआ है, मैं बड़ा ही ओपनली बोलूंगा इस फॉरम पे कि उसने 2 पंक्तियां लिखी, मुझे सुनाई और वो मेरा चेहरा देख के समझ जाती है कि नहीं अच्छी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी नहीं है, समझ भी नहीं आती। तो मैं उसका आलोचक भी हूं, घर में पहला आलोचक मैं ही हूं और मैं इस पे क्रेडिट नहीं लूंगा, बट उसके बाद उसने जो क्वालिटी लेखन में की है वो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन लगातार बराबर कि कोई भी आदमी उसको बोल रहा है कि मैं उसको सिखा सकता हूँ, मैं उसकी चीजों को करेक्ट कर सकता हूँ, आप सब लोगों का बड़ा सहयोग है। वो हर जगह गई है, किसी भी आदमी के पास गई है, उसने अपना लेखन सुधारा है, उसने अपनी हिंदी सुधारी है, उसने अपनी क्वालिटी सुधारी है। किसी ने बोला है कि आप यहाँ पर आओ, मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर हिंदी की कैसे की जाती है, वो मेरे को बोलती है मेरी साइड से तो एकदम फ्री है, वो हर जगह जाती है, सीखती है, फिर वापस आके उसको प्रैक्टिस करती है। हर चीज उसने वो चुनी जो कोई नहीं चुनता, जैसे सब लोगों ने बोला धोए और छंद, मैं भी उसको बोलता था, मैंने कहा सिंपल लिखो आप, जो लोग जिस तरीके से आजकल चल रहे हैं और जैसे फेसबुक पे लोग पसंद करते हैं, आप इंस्टा पे पसंद करते, नहीं मैं वो नहीं लिखूंगी, कोई मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे वो लिखना है जिससे हिंदी को फायदा, हिंदी साहित्य को फायदा। और उसी का आज परिणाम है कि ये बुक आई है। ये बुक मैंने भी बीच बीच में काफी पढ़ी है, कल थोड़ा ध्यान से पढ़ी, पहले पवन जी का लेख पढ़ा, उसके बाद में फिर वर्षा का वो पढ़ा, तो कुछ चीजें मेरी बड़ी अच्छी है, वर्षा जी की अच्छी है। एक सबसे बड़ी चीज है कि वर्षा एज अ स्त्री, एज अ लेडी होने के बाद भी वो ऐसा प्रेम रस टिपिकल लेडीज पे नहीं लिखती है, वो सब पे लिखती है। उसकी बुक जो है विविधताओं से भरी पड़ी है, आप बुक पढ़ोगे तो आप, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप पागल हो जाओगे, क्योंकि हर तरीके का टॉपिक उसने कवर किया है। उसने यंग जनरेशन पे कवर किया है, उसने स्टूडेंट पे कवर किया है, उसने लवर्स पे कवर किया है, पहले प्यार पे कवर किया है, स्त्री पे कवर किया है, बहू बेटी पे कवर किया है, उसके बाद दोहे और छंद पे उसने लिखा है, हर तरीके से लिखा है। सरस्वती वंदना के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे को पसंद है, विजय पर जो बुक का शीर्षक भी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विजय पथ के बारे में मेरे को कुछ लाइन है, बाकी लाइन जो काफी सारे कविगण ने मेरी चुरा ली है, मैंने भी तैयार किया था लेकिन वो सब लोगों ने पहले बोल दिया तो मैं अब वो नहीं बोलना चाहूंगा और समय का भी अभाव है। तो विजय पथ में एक जो लाइन है जो हमारे घर में बच्चे भी गाते हैं और मैं भी, मेरे को बहुत पसंद है, वो मैं बोलना चाहूंगा। कोशिश रहे सच्ची सदा तो श्रेष्ठ ही परिणाम हो, तू विजय पथ पर चल चला चल, कर्म बस निष्काम हो। ये जो लाइन है ये बहुत सिंपल है बट बहुत मोटिवेशनल लाइन है, ये पूरी कविता है, मैंने सिर्फ ऊपर की 4 लाइन ली है। ये आप लाइन पढ़ो जब भी आप डीमोटिवेट होते हो, लाइन पढ़ते हो, मैं जब डीमोटिवेट होता हूँ तो मैं भी ये लाइन पढ़ता हूँ क्योंकि लाइन पहले लिखी गई है और बहुत अच्छी। दूसरा एक है, राम का नाम बड़ा है,
हम घर में जब इसमें सबसे पहली बार लिखा था, जैसा मैं बोलता हूँ पहले मेरे को सुनाया जाता है, तो राम का नाम बड़ा है, आप जब वो पढ़ेंगे तो आपके वो कहते ना कि कोई भी चीज जब लिखी जाती है तो अगर वो आपके होठों पे आ जाए और आप लगातार गुनगुनाए तो उसका मतलब अच्छा लिखा। तो राम का नाम बड़ा है जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा उसने लिखा है। पहली बार इसने मुकरिया लिखना शुरू किया तो मेरे को सुनाया तो मुझे पजल लगी, ये मेरे को पूछती थी और पजल ये सब मेरे को तो नहीं, ये हर बार मैं एक बार भी नहीं बता पाया और काफी लोगों ने सुनाई है तो मैं नहीं सुनाना चाहता, बट बहुत कठिन है, पजल्स है पर बहुत अच्छा लिखा है उसने। कुंडलियां इसने लिखा है वो मुझे भी ये सब पता चला धीरे धीरे, मैं इस फील्ड में बहुत ज़रा कमजोर बट अब इसके साथ कर करके धीरे धीरे कर रहा हूँ। दोहे लिखना शुरू किया तो मैं पहले था मैंने कहा दोहे कैसे समझ में आएंगे लोगों को आज, दोहे छंद, तो दोहे और छंद पे उसने लिखना शुरू किया। तो सारी बुक हर तरीके से अलग अलग है, विविधताएं, जैसे विजय पथ है, राम कथा, शहीदों को नमन, हम कवि, खुद का परिचय वर्षा ने खुद ही सुनाया है, दिव्यांग के बारे में लिखा है, दिव्यांग से दिव्यता की ओर, सुनने में ही अलग है, दिव्यांग से दिव्यता की ओर, पापा मम्मी कामकाजी महिलाएं स्त्री बहु बेटी जैसा मैं बोल रहा हूँ, बुढ़ापा, हर चीज, नवल वर्ष, नवल वर्ष उसकी सब सहेलियां बैठी हैं और नवल वर्ष उसने कई बार किटीज में भी सुनाया है और घर पे हम सब लोगों ने सुनाया, काफी फंक्शन में सुनाया और नवल वर्ष पे हर चीज को वो कवर करती है, तो वो सब चीजें हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा और मुझे इतना पता है ये रुकने वाली नहीं है, इसको रोक भी नहीं सकते हम, उसमें वो पावर है, वो शक्ति है, वो जबरदस्त है, बस मैं इतना ही बोलूंगा और वो रुकेगी नहीं और वो बॉम्बे ही नहीं पूरे इंडिया में और बाहर भी करेगी। अभी वो थोड़ा गृहस्थी में उलझी है, अभी उसने बेटी को, उसके बाद एक बड़ा अच्छा मैं बोलूंगा कि हमारे पूरे रिलेशन में सब लोगों ने, फिर मेरे पापा ने, जो हमारे घर में लड़की नहीं है तो वर्षा पहले ही तो वो एक बेटी की तरह आई थी तो पापा के बहुत क्लोज है, तो सब लोगों ने उसको चैलेंज दिया, उसके पापा ने भी चैलेंज दिया कि तुम ये सब लिख रही हो, सारा दिन ट्रैवल करती हो, कहीं ऐसा ना हो इसका इफेक्ट बच्चों पे है, तो वर्षा ने वो चैलेंज लिया। तो मैंने भी वर्षा को दो तीन बार क्रिटिसाइज किया कि सुहानिया भी 11th में और हमें 2 साल तुम्हें थोड़ा कम करना चाहिए क्योंकि एक बार वो सक्सेस हो गई तो फिर तुम कर, वो कहती है कि मेरा चैलेंज है, मैं भी नहीं रुकूंगी और सुहानी भी नहीं रुकेगी। और जिस दिन सुहानी का रिजल्ट आया तो हम लोगों के लिए पागलों वाला जैसा मोमेंट था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सुहानी ने भी किया बट उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी जो उससे ज्यादा मेहनत करती थी। सेम उसका चैलेंज अभी बेटे के लिए, अभी 9th में बेटा है, फिर उसी तरीके से उसने चैलेंज दिया है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बेटे को इंजीनियरिंग में निकालूंगी लेकिन मैं नहीं रुकूंगी। और उसकी दूसरी बुक, बुक पे बुक, और जिस तरीके से वो बोलती है, जिस तरीके से वो करती है, वो नहीं रुकने वाला। तो मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ और मैं बुलाता हूँ अपने बेटे और बेटी को, सुहानी को, कि वो मेरे साथ आए और हम सब लोग, आप सब कविकरण और सभी लोगों का हाथ जोड़ के आभार व्यक्त कर दें कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस महफिल को 4 चांद लगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अभी ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, अभी धन्यवाद के लिए दोबारा आएंगे। धन्यवाद आपका अभित जी, बहुत अच्छा बोले और एक सही मायनों में जो जीवन साथी होना चाहिए अमित जी ने अपने वक्तव्य से साबित कर दिया कि अगर कोई भी लेखक या लेखिका हो, अगर उसे घर से प्रोत्साहन नहीं मिलता, सहमति नहीं मिलती, तो उसे अच्छे रास्ते पे अपनी मंजिल तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल लगती है, ये देखा गया है। तो